एनिमेशन स्टोरी या फिर एनिमेशन वाली जो कहानियों वाली वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देखते हो तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, उस तरह के वीडियोज़ आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। उन वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज की ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप एनिमेशन वीडियो बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको एडिटिंग थोड़ा सा भी नहीं आता, आपको किसी भी तरह के किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं होगी, मात्र एक वीडियो एडिटिंग वाला एप्लीकेशन चाहिए, वो आपका काइन मास्टर हो, VN एडिटर हो, इनशॉट हो, कोई भी हो, इन सबसे ये चीज़ें कर पाओगे। और सिर्फ आप पिक्चर्स का यूज करके बहुत ही अच्छे लेवल की एक एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर लोगे और लोग उस वीडियो को देखेंगे भी। तो वो सारा प्रोसीजर क्या है, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे स्टोरी आप रिकॉर्ड करोगे, यानी कि वॉइस कैसे रिकॉर्ड करनी है आपको, किस तरीके से उसका थंबनेल क्रिएट करना है, वो सब कुछ इस सिंगल वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस तरह के जो चैनल्स आप क्रिएट करोगे ये वॉइस ओवर वाली होगी, यानी कि आपको अपना फेस दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आवाज़ दोगे आप, आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड, आपकी वीडियो मतलब उसी से बन जाएगी, सिर्फ अपने वॉइस से। तो अगर हम वॉइस वाली वीडियो बनाते हैं तो इसके लिए हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए और एक माइक चाहिए। अगर माइक अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं भी अवेलेबल है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपने स्मार्टफोन से ही सारा काम कर लेंगे। अब बात करते हैं कि जो हम वीडियो बनाएंगे उसके लिए हम कहानियाँ कहाँ से लाएंगे, स्टोरी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हर रोज़ हमें वीडियो बनानी है तो हर रोज़ हमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरी चाहिए। तो उसके लिए सबसे जो पहला सोर्स है वो है बुक्स, यानी कि अगर आपके भी घर में बुक्स अवेलेबल हैं तो उनका यूज कर सकते हो। जैसे कि हम बचपन में बहुत सारे स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स बुक, जैसे कि चंपक होता था, नन्हे सम्राट, बालहंस, इस तरह के बहुत सारी पत्रिकाएं आती रहती थी, और उस तरह की पत्रिकाएं मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ी है, मुझे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी भी है। मतलब कि अगर मुझे अभी भी मिल जाए पुरानी वाली तो मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं, उन बुक्स का यूज करेंगे कहानियों के लिए। आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं भी अवेलेबल है तो कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हो। हो सकता है कि आपके घर में पुरानी पड़ी हुई हो या फिर आपके बच्चों के जो बुक्स हैं उनमें भी बहुत सारी कहानियाँ दी रहती है, उनका भी यूज कर सकते हो आप। इंटरनेट गूगल पे फाइंड करोगे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ, अनलिमिटेड स्टोरी मिलेंगी, उनका भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि इंटरनेट पे भी कोई स्टोरी अवेलेबल है तो उसको तो आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करोगे, सब कुछ करोगे, तो कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक ऐसा कुछ झंझट ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर टीवी चैनल्स पे भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो इस तरह की स्टोरीज दिखाते हैं, तो उनकी कहानी भी अपनी आवाज़ में हम दे करके, अपने तरीके से एडिट करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो स्टोरी हम अपने आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे, अपने तरीके से एडिट करेंगे, सब कुछ हमारा कंटेंट होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का हिस्सा होगा वो है आपकी आवाज़, यानी कि अगर आप चाहते हो कि जो बच्चे, जो भी लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, खास सिंपल सी बात है कि एनिमेशन टाइप की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा बच्चे ही देखते हैं और बच्चे ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा हैं, और अगर इस तरह के वीडियोस आपके रीच करने लगती है, बढ़ने लगती है, मतलब चैनल थोड़ा सा भी ग्रो होता है तो मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं इस तरह के वीडियोज़ पे, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो इसके लिए अपनी वीडियो को हम थोड़ा सा और आकर्षक बनाने के लिए क्या करेंगे कि अपनी वॉइस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे। अट्रैक्टिव कहने का मतलब कि जो भी स्टोरी आप पढ़ रहे हो, जो भी स्टोरी आप वॉइस दे करके रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसमें जिस तरीके का फ्लो है, जिस तरीके के एक्शन है, उस तरीके से हम अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करें तो बेहतर होगा। मान लीजिए कि कोई कहानी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस स्टोरी में कोई बच्चे का पार्ट है तो उसकी आवाज़ हम अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बच्चे जैसा बना करके रिकॉर्ड करें। मान लीजिए किसी तरीके के कोई शेर, भालू, चीते, इस तरह कोई जानवर की आवाज़ है तो उसको थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा लाउड करके बोले, जिस तरीके से स्टोरी में दिखाई जाती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जब आप ट्राई करोगे, स्टार्ट करोगे, खुद से वॉइस ओवर करना स्टार्ट करोगे, तो ये सब कुछ आप आसानी से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपके साथ, मतलब आप कर लोगे। ठीक है, बस आपको शुरू करने की ज़रूरत है। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इसके बाद हम अपनी वीडियो को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे, और बैकग्राउंड म्यूजिक देने के साथ साथ साउंड इफेक्ट्स लगाएंगे। साउंड इफेक्ट्स इट मीन्स कि अगर हमारी वीडियो है उसमें कोई हाथी का रोल है या फिर कोई टाइगर का रोल है या फिर किसी भी और जानवर का कोई पार्ट है उस कहानी के अंदर, तो उस तरह के आवाज़ के हम साउंड इफेक्ट्स लगाया करेंगे। ठीक है, तो हमारी स्टोरी जो है, हमारी कहानी है, और भी आकर्षक बन जाएगी, लोगों को और पसंद आएगी। ठीक है,
तो जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएंगे, कॉपीराइट फ्री, किसी भी तरीके का मतलब कॉपीराइट क्लेम आपको नहीं आएगा। तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक्स कैसे डाउनलोड करने होते हैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना आप और वहाँ से साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर लेना और उन साउंड इफेक्ट्स को आप बार बार अपने वीडियो में जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि जो कहानी है, जो स्टोरी आप क्रिएट करोगे उसको आप बनाओगे कैसे, कैसे उस कहानी को हम अच्छे तरीके से बना पाएंगे, उसके लिए जो चीज़ें हम यूज करेंगे वो क्या क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, हम दो ही चीज़ों का यूज करने वाले हैं। एक जो इमेज होते हैं, एनिमेशन वाले पिक्चर्स होते हैं, एनिमेशन बैकग्राउंड पिक्चर्स होते हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे, गूगल पे या फिर पिक्साबेब है या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन सब पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो चीज़ है वो है जिप फाइल। ठीक है, जिप फाइल होता है, अगर आपको पता होगा तो आपको लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते होंगे या फिर बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि उस पर आप क्लिक करो तो वो वीडियो नहीं है, बस एक इमेज ही है, उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो हिलती डुलती होती है, एक उसमें ना एक मोशन इफेक्ट होता है। ठीक है, वो अगर चल रहा है तो वो लगेगा कंटिन्यू चल रहा है कोई भी चीज़ हो। तो इस तरीके का जिप फाइल का यूज करेंगे और हम अपनी वीडियो को क्रिएट करेंगे। कहने का मतलब है कि पिक्चर और जिप फाइल, सिर्फ इन्हीं दोनों को यूज करके हम अपनी वीडियो को बहुत ही अच्छे लेवल की बना सकते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी आपको। तो वो कैसे करना है इस वीडियो में हम सीखेंगे, तो वीडियो को छोड़िएगा मत, एंड तक बन रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारा कुछ आपने कर लिया, तो उसके बाद हमें अपनी वीडियो को एडिट करना होगा। तो एडिटिंग के लिए आप किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, VN एडिटर जो कि विदाउट वाटरमार्क है, ठीक है, उस पर किसी भी तरीके का वाटरमार्क नहीं आता है, या फिर आप जो भी इस्तेमाल करते हो उसका यूज करोगे। और जब वीडियो हम एडिट करेंगे तो अपने उस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाएंगे, साउंड इफेक्ट्स भी लगाएंगे, ताकि हमारी वीडियो बहुत बेहतरीन लगे। जब ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे, सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम अपनी वीडियो के लिए एक बेहतर सा थंबनेल क्रिएट करेंगे। और थंबनेल भी हमें बहुत अच्छा बनाना है, एक एनिमेटेड थंबनेल होना चाहिए, ताकि लोग जब देखें, बच्चे देखें, तो फटाक से उस वीडियो पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को देखें और हमें व्यूज आए, हमें सब्सक्राइबर्स मिले, ये सब कुछ हो। तो ये सब कुछ कैसे करना है, चलिए अब वन बाई वन करके सीखते हैं। तो अब आगे आपको क्या करना है, तो देखिए मेरे हाथ में कुछ बुक्स आपको दिख रही होंगी, ये बालहंस पत्रिका है, जो मतलब मेरे पास बहुत पहले से है, इस तरीके के बहुत सारे बुक्स मैंने रखे हुए हैं जो मुझे पसंद है और जब भी वक्त मिलता है इन्हें मैं दोबारा से पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके के बुक्स आपके पास भी होंगे, आपके घर में पड़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप अरेंज कर सकते हो कहीं से भी। अब ये जो बुक्स हैं, अब इसमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज इस तरीके के बुक्स में भरी पड़ी रहती हैं। तो क्या करना है कि आपको पहले इसमें से कोई भी स्टोरी डिसाइड कर लेनी है कि आप कौन सी स्टोरी, कौन सी कहानी रिकॉर्ड करने वाले हो। कोई भी आप डिसाइड कर सकते हो, आपने बुक खोला, जो भी आपको अच्छी लगी उस स्टोरी को पहले रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि आपका जो स्मार्टफोन होता है, उसमें ऑलरेडी एक वॉइस रिकॉर्डर दिया रहता है, किसी भी तरीके का अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो वॉइस रिकॉर्डर रहता है, बस उसको ओपन करना है, बुक्स में से स्टोरी पढ़नी है और चुपचाप रिकॉर्ड करना है। तो ये वॉइस रिकॉर्ड करना कैसे है, ये भी मैं अभी इसी वीडियो में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए मेरे फ़ोन का जो वॉइस रिकॉर्डर है वो मैंने ओपन कर लिया है, अगर आपको पता चल पा रहा होगा तो, ऑलरेडी आपके फ़ोन में रहता है। ठीक है, और मैंने एक स्टोरी भी फाइंड की है इसी बुक से, उस स्टोरी का टाइटल जो है वो है बादल और बिजली, यानी कि बादल और बिजली की कहानी है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इस फ़ोन में जो वॉइस रिकॉर्डर है इसको हम ऑन करेंगे और स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि होता क्या है कि हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, बीच में ब्रेक हो गई, मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई लाइन हमने गलत बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू स्टोरी को रिकॉर्ड करते रहो। ठीक है, और एंड में जब हम वीडियो को एडिट करेंगे तो वहाँ पर अपनी वॉइस जहाँ पर भी गड़बड़ हुई होगी उसको हम कट करके अलग कर देंगे। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा जो फ़ोन होता है उसका माइक इधर नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, सारे फोन्स के माइक नीचे की तरफ ही रहते हैं। तो करेंगे क्या आप कि ये जो वॉइस रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर पे यहाँ पे टैप किया, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इस फोन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से फ़ोन को करना है, इस तरीके से हम माइक यूज करते हैं, इस तरीके से इस फ़ोन को ले लिया, स्टोरी का बुक हमने सामने ले लिया, अब बस स्टोरी को पढ़ रहे हैं। अब स्टोरी को कैसे पढ़ेंगे, एकदम से फ्लो में, मज़े से, कि हम किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहे हैं और उस तरीके से स्टोरी को पढ़ेंगे कि ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें मज़ा आ सके। ठीक है, एकदम से फ्लो में पढ़ें, जो इमोशंस है उस तरीके से, जैसे कि अब इसमें ये जो कहानी है इसकी जो शुरुआत है कुछ लाइनें मैं आपको बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, आसमान के दो संतानें थीं, पुत्र का नाम था बादल और पुत्री का नाम था बिजली।
माँ का साया बचपन से ही सिर से उठ जाने के कारण पिता आसमान ने अपने हाथों से उनका लालन पोषण किया था, मगर आसमान के हद से ज़्यादा लाड प्यार ने बादल और बिजली को जिद्दी व शैतान बना दिया। भाई बहन बात बात में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते और जिस चीज़ के लिए जिद करते उसे लेकर ही दम लेते हैं। ठीक है, तो ये कहानी की थोड़ी सी लाइन मैंने पढ़ी। इस तरीके से आप पूरी कहानी पढ़ना, पूरी कहानी पढ़ करके रिकॉर्ड करना। जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, तो अपने रिकॉर्डर को स्टॉप कर देना है। अब जब रिकॉर्डर को स्टॉप करोगे तो यहाँ पे नेम लिखने के लिए देता है, तो जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसका नाम दे दो, ताकि जब आप एडिट करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टोरी का नाम कुछ भी दे दिया आपने, सेव कर दिया, सिंपल से सेव कर दिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करना है, समझने वाली बात है, समझना आप ध्यान से। अपने फ़ोन में हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद करना क्या है कि जो भी कहानी आपने पढ़ी है, जो भी कहानी आपने रिकॉर्ड की है, उसके अकॉर्डिंग हम बैकग्राउंड डाउनलोड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम जिप फाइल डाउनलोड करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र से। ठीक है, डायरेक्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी स्टोरी पढ़ी तो इसमें हमारा बादल है और आसमान है, तो ठीक है, तो बादल को इंग्लिश में हम क्लाउड बोलते हैं। आप बादल भी लिख करके सर्च कर सकते हो, बट क्लाउड लिख के सर्च करोगे तो और इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ क्लाउड बैकग्राउंड, ठीक है, क्लाउड बैकग्राउंड लिख करके हम सर्च करेंगे। उसके बाद इमेज, इमेज जो लिखा रहता है ना, इमेज वाले सेक्शन पे आएंगे। जैसे ही हम इमेज वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आपको क्लाउड से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एक आसमान का जो पिक्चर है जहाँ पे थोड़े से बादल छाए हुए हैं, तो कोई भी आपने अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लिया। मैं बस तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी भी पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद पता होगा आपको कि उस पर अंगूठे से हमें दबाया, उस अंगूठे से हमें टैप करना होता है, उसका डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड पे क्लिक करके, डाउनलोड पे एक बार जब डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड का फिर से ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी। और इसी तरीके के और बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो आप उस तरीके का लिख करके सर्च करो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो एनिमेशन बैकग्राउंड। अब जैसे ही एनिमेशन बैकग्राउंड लिख करके आप सर्च करोगे तो आपके फ़ोन में इमेज वाले सेक्शन में बहुत सारे एनिमेटेड बैकग्राउंड दिखने को मिलेंगे। आपको जिस भी तरीके का बैकग्राउंड चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे कि ये बैकग्राउंड अगर लग रहा है कि मेरी कहानी के लिए अच्छा है तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, सिंपल से। ठीक है, इस पर टैप किया, डाउनलोड इमेज पर क्लिक किया, उसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक किया, ये पिक्चर डाउनलोड हो गई, हमारे फ़ोन में सेव हो गई। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा क्लियर वे में, कि किसी भी तरीके का इमेज जाकर डायरेक्ट आप गूगल से डाउनलोड करके यूज करते हो, कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई कहता है तो ऐसा आपको बुद्धू बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट यूज करता हूँ हमेशा ही डाउनलोड करके, हर वीडियो में यूज करता हूँ। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो डोंट वरी, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड पिक्चर्स डाउनलोड करोगे गूगल से, जिस भी तरीके का चाहिए। मान लीजिए कि एक स्टोरी आप बोल रहे हो तो उसके लिए 5, 6, 7, 8, मतलब जितनी लंबी हमारी कहानी होगी मतलब उतना हम बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेंगे, मतलब 5, 6, 8, 10, जैसा भी आपका कहानी है उसके अनुसार जो सीन है उसके अनुसार क्या बैकग्राउंड रहना चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, जिप फाइल हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर के सर्च बॉक्स में हम आ गए, वहाँ पे जैसे मुझे बादल वाली हमारी कहानी है, मैं क्या लिखूँगा, क्लाउड, क्लाउड के बाद क्या लिखूँगा, जिप, GIF सर्च किया हमने। अब देखिए स्क्रीन पे आपके बहुत सारे उस तरीके के इमेज दिखने लगेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमेटेड जिप फाइल भी आपको मिलेंगे। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो बादल एनिमेटेड जिप फाइल, या फिर क्लाउड एनिमेटेड जिप, ऐसा भी आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, एक बादल का सीनरी है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे मैंने क्लिक किया है। तो इसको हमें एनिमेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एडिटिंग के लिए आपको अपना माथा नहीं फोड़ना है, ये ऑलरेडी है। बस इस पे क्लिक किया हमने और इसको डाउनलोड कर लिया, सिंपल से इसको डाउनलोड कर लिया। अब हम इसको अपने कहानी में यूज करेंगे, तो इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो करेंगे क्या, हम बैक आ गए। अब इस तरीके के और 2-4 बादल हमने डाउनलोड कर लिया अलग अलग टाइप्स के, जैसे इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब ये जो अभी बादल का इमेज आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये थोड़ा सा एंग्री है, गुस्से में है। ठीक है, तो इसको हमने टैप किया, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हर मोमेंट का जिप फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे सर्च करके। जिप फाइल लिख करके आप सर्च करना जिस भी चीज़ के लिए चाहिए, जैसे टाइगर का जिप फाइल चाहिए, लिखा टाइगर जिप फाइल आपके पास आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए फिर से आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा टाइगर, मान लीजिए कि आपकी कोई स्टोरी है जिसमें आप टाइगर से रिलेटेड कोई स्टोरी बोल रहे हो, तो हमने लिखा टाइगर जिफ, ठीक है, इमेज क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पर लिखता टाइगर एनिमेटेड जिप तो और बेहतर रहता, फिर भी यहाँ पे एनिमेटेड से रिलेटेड भी बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैंने मान लीजिए एक पर क्लिक किया जो एनिमेटेड रिलेटेड है,
यानी मतलब जो एनिमेट हो रहा है, देखिए अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसको मैं टाइप करके क्या करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। अब इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको अब मैं अपनी कहानी में यूज कर सकता हूँ। तो प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे बैकग्राउंड डाउनलोड करना है और कैसे जिप फाइल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को देखना होगा, तभी आप क्लियर हो पाओगे। ये चीज़ें हमने कर ली, अब हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो को एडिट करेंगे, ठीक है। तो अपनी वीडियो को कैसे एडिट करना है वो मैं अभी आपको काइनमास्टर के थ्रू बताऊंगा, लेकिन आप किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज करके अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो और सबका लगभग सेम टू सेम प्रोसेस रहता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनशॉर्ट में कैसे वीडियो एडिट करना है, काइनमास्टर में, पावर डायरेक्टर में, VN एडिटर में, इन सब में कैसे वीडियो को अपने एडिट करना होता है, उसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियोज ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं कि अपनी वीडियो को कैसे एडिट करें, ठीक है। सबसे पहले हम काइनमास्टर ओपन करेंगे अपने फोन में, उसके बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, रेशियो सिलेक्ट करना है। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाओगे तो ये वाला रेशियो, अगर लॉन्ग टाइप का वीडियो बना रहे हो तो 16:9 वाला, क्योंकि इसको हमें यूट्यूब पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल से मीडिया पे आप क्लिक करना, क्लिक करते ही गैलरी खुलेगी। तो जो भी आपकी कहानी है उस कहानी से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड आपने डाउनलोड किए हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी जैसी कहानी है उसके अकॉर्डिंग अपने बैकग्राउंड डाउनलोड करना है और वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है और अगर मुझे अब मेरी कहानी में इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, यहाँ पे टिक मार्क कर दिया, ये आ गया बैकग्राउंड, इसको पकड़ लिया हमने। अब यहाँ से खींचेंगे हम, मतलब खींच के हम वहाँ तक करेंगे जहाँ तक इस तरह का बैकग्राउंड की हमें हमारी कहानी में ज़रूरत है। मतलब कि अगर जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का स्टोरी चला और इसके बाद अगर आपको लगे कि हमारी कहानी में अब यहाँ से सीन दूसरा आ रहा है तो बैकग्राउंड भी दूसरा आना चाहिए, तो यहाँ पे हम दूसरा बैकग्राउंड लगा लेंगे। जैसे कि मेरी ये कहानी है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का बैकग्राउंड ये रहा, अब यहाँ से लग रहा है कि मेरी कहानी में कुछ बदलाव आने वाला है तो यहाँ पे कोई अलग बैकग्राउंड चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर मीडिया पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी बैकग्राउंड आप डाउनलोड किए रहेंगे वो लगाएंगे। तो हमने ये डाउनलोड किया था, टिक मार्क कर दिया, इसको लगा दिया हमने। अब इसको ही पकड़ के हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ठीक है। अगर कोई फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो उसको इस तरीके से क्या करना है, आप सिलेक्ट करना, यहाँ पे क्लिक करना आप, और इस तरीके से पकड़ के जूम कर देना और उसके बाद यहाँ पे इक्वल पे कर देना, उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क, वो एकदम से फील हो जाएगा। इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको जूम कर देते हैं, पूरे फ्रेम में हो जाए ताकि यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे टैप, ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड चीज़ क्या करेंगे हम कि यहाँ पे एक ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, ऑडियो पे हम क्लिक करेंगे और जो कहानी हमने रिकॉर्ड की है उस कहानी को हम यहाँ पे लगाएंगे, जो भी वॉइस आपने रिकॉर्ड की है ना वो वाली वॉइस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाली कहानी मान लीजिए रिकॉर्ड की, मैंने ऐसे लिख दिया, इस पर क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया, ठीक है। तो हमारी जो स्टोरी है यहाँ पे नीचे लग गई, हमारी कहानी यहाँ पे लग गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे टाइप करके प्ले करेंगे। अब जैसे जैसे आपके कहानी में जो जो शब्द आएंगे उसके अनुसार यहाँ पे चीज़ें लगानी है। जैसे मेरी कहानी स्टार्ट हुई और मेरी कहानी में यहाँ पे कहानी स्टार्ट होते ही बादल के बारे में कोई लाइन आ गई कि एक बादल था, चाहे जो भी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं बादल वाला जिप फाइल लगाऊँगा, लेयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, करने के बाद इमेज पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था डाउनलोड पे क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पे बादल है, बादल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी ऐसे जूम करके लगा सकते हो, और अगर आप इसको ऐसे नहीं यूज करना चाहते, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो हटा देना चाहते हो, तो क्या करेंगे, इसको हमें सिलेक्ट रखना है, इस तरीके से सिलेक्ट है, उसके बाद इस तरह इधर आएंगे, नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो इधर करके आपको देखना है कि किस पे हमारा ये ब्लेंडिंग मोड वर्क कर रहा है, किस मोमेंट पे ये पूरी तरीके से इसका बैकग्राउंड हट जा रहा है। एक एक पे क्लिक करके आप चेक करोगे तो किसी ना किसी पे हट जाएगा। जैसे डार्कन पे हम करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट चीज़ है तो डार्कन पे करेंगे तो वो हट जाएगा, मतलब यहाँ पे मैंने डार्कन पे किया ये हट गया, ठीक है। और ओपेसिटी ये जो है इसको हम कम भी कर सकते हैं या 100%, तो 100% ही ओपेसिटी हमें चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया, ये हमारा बादल आ गया, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए कि ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, टिक मार्क कर दिया। अब अभी मैं बस इतने वीडियो का हिस्सा यहाँ पे प्ले करके अगर आपको दिखाऊं तो इस तरीके से ये हमारा बादल आया और वो एनिमेट भी होता है, तो वो एनिमेट होगा। जब हमारी स्टोरी बनती रहेगी, बन जाएगी मतलब आगे की तरफ, तो वो एनिमेट भी होगा, सब कुछ होगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और कि जब भी आपकी कहानी जहाँ पे चल रही है तो जहाँ पे जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे उसको ऐड करना है। अब जैसे ये बादल आया, बादल के सीन के बाद मुझे यहाँ पे अपने मेरी कहानी में अगर टाइगर का कोई रोल है, टाइगर का कोई पार्ट है, तो यहाँ पे लेयर पे क्लिक किया मैंने, इमेज पे क्लिक किया, ठीक है,
और सिंपल से ये टाइगर मैंने डाउनलोड किया था, इसको हमने यहाँ पे लगा लिया। अब इसको मुझे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जिस तरीके से चाहिए मैं इसको इस तरीके से रोटेट भी करके लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर ये यहाँ पे चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँगा, लगाने के बाद यहाँ पे टिक मार्क कर दूँगा, ठीक है। तो प्ले करेंगे तो हमारी कहानी इस तरीके से आगे बढ़ेगी, ठीक है। वो एनिमेट ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। अगर काइन मास्टर में नहीं आप एडिट करते हैं, किसी और में भी एडिट करेंगे तो वो एनिमेट होता हुआ आपको दिखेगा। ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड लगाएंगे। तो हमने पहले वॉइस ओवर लगाया है, तो मैं पहले वॉइस ओवर के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे प्ले किया, हमारी कहानी चल रही है, और अगर आपने आपकी कहानी रिकॉर्ड करते टाइम कोई गलत वर्ड बोल दिया, कुछ गलत यूज हो गया, मतलब कुछ अलग बोलना कुछ और था, आपने बोला कुछ और, तो वो हिस्सा हमें डिलीट कैसे करना है। तो जैसे हम वीडियो प्ले कर रहे हैं, हमारी स्टोरी चल रही है, अब जैसे कि यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये हिस्सा मुझे कट करना है, यहाँ से यहाँ तक हमने गलत बोला है, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको लगे, मतलब जहाँ पे आपने गलत बोला है वहाँ पे हम आ जाएंगे। ये रेड लाइन जो दिख रहा है लेयर, यहाँ पे हम आएंगे, उस वॉइस ओवर आवाज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से नीचे आएंगे, ट्रिम एंड स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थर्ड वाला जो ऑप्शन है स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक करेंगे, ये कट हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वॉइस मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रिम एंड स्प्लिट पे, फिर यहाँ पे स्प्लिट एट प्ले हेड पे, और ये हिस्सा हमारा फालतू का, इसको हमने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। और जो मेन वॉइस था इधर कट हुआ है, तो इसको पकड़ कर हम ड्रैग करके यहाँ पे सटा देंगे ताकि बीच में गैप ना रहे, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी वीडियो एडिटर में ये चीज़ें करना। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी कोई इमेज, मतलब कि जो पिक्चर बैकग्राउंड आपने लगाया है, वो एक से दूसरे में एंटर करे, तो वहाँ पे इस तरीके का बॉक्स बन जाएगा किसी भी वीडियो एडिटर में, तो इसको सिलेक्ट करना। आप सिलेक्ट करने के बाद ट्रांजिशन इफेक्ट ज़रूर आप लगा देना, किसी भी तरीके का जो भी अच्छा लगे आपको, अपने कहानी के अनुसार एक लगा देना। आपसे ये वाली है, इसको हमने लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। अब जैसे हमारी कहानी यहाँ से आगे बढ़ रही है, अब दूसरे सीन में जैसे ही एंटर करेगा तो इस तरीके से ये बादल वाली सीनरी यहाँ पे आ जाएगी, बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें करनी है। अब जहाँ भी आपको साउंड इफेक्ट लगाना, जो साउंड इफेक्ट के बारे में बोला मैंने, वो जिस भी तरीके का आपका कैरेक्टर आएगा वीडियो में, वहाँ पे उस तरीके का साउंड इफेक्ट लगाना। जैसे कि हमारा टाइगर यहाँ पे एंटर हो रहा है, टाइगर का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइगर की साउंड इफेक्ट लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना, आप डाउनलोड कर लेना साउंड इफेक्ट, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उस साउंड इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे, और ऑडियो पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपका जो फोल्डर में डाउनलोड सेक्शन रहता है वहीं पे वो सारे साउंड इफेक्ट्स आते हैं। तो जो भी आपका साउंड इफेक्ट रहेगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो भी साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो एक या दो ही सेकंड के होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं होते, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई साउंड इफेक्ट है, उसको मुझे अप्लाई करना है, तो सिंपल से उस पर आप इस तरीके से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है, वो साउंड इफेक्ट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और वो एक से दो सेकंड का रहता है, बस इतना ही रहता है। बस मैंने तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक लेकर के आपको बताया, वो एक सेकंड का ही रहता है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, बस आगे वीडियो आपकी बढ़ेगी। और अगर आपको बार बार ज़रूरत चाहिए तो आप इसी तरीके से बार बार जहाँ पे भी साउंड इफेक्ट जिस भी तरीके का लगे वहाँ पे आप उस साउंड इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे भी आपकी मर्जी हो। और अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है शुरू से ही, तो बस वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, ऑडियो पे आएंगे, और जो भी बैकग्राउंड आपने डाउनलोड करके रखा होगा वो सब कुछ शो होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो इस पर हमने क्लिक किया, प्लस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक लग गया। तो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा कम रहना चाहिए, तो बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करेंगे, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, और ये जो 100 है इसको हम मतलब 15 पे 12 पे इस तरीके से ला करके रख देंगे। यहाँ पे मैंने 16 पे किया, उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक भी अप्लाई हो गया, सारी कहानी हमारी बन गई, पूरी कहानी हमारी मान लीजिए कि कंप्लीट हो गई। यहाँ से वहाँ तक सब कुछ हमने अच्छे तरीके से एडिट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद वीडियो को हम 1080 में करके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इसे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे एक अच्छा सा थंबनेल बना करके। अब देखिए, अगर आपको थंबनेल बनाना है तो इस तरीके से पिक्सल लैब ओपन करेंगे, आप चाहो तो कैनवा वे में भी बना सकते हो। हमने पिक्सल लैब ओपन किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे में क्लिक करेंगे, इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टम पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करेंगे, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, और जो भी बैकग्राउंड आपने डाउनलोड किया है उसी तरीके का बैकग्राउंड हम थंबनेल के लिए भी यूज करेंगे, यानी कि एनिमेटेड बैकग्राउंड ही लगाएंगे। जैसे ये वाला बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। अब ये बैकग्राउंड लग गया। अब मान लीजिए जिस भी टाइप की स्टोरी है, शेर की, चीते की, बाघ की, किसी भी चीज़ की स्टोरी है, उस तरीके का इवेंट, उस तरीके का पिक्चर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अब पिक्चर लगाने के लिए यहाँ प्लस पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद ये टाइगर हमारा है, मान लीजिए मेरी टाइगर की स्टोरी है, टाइगर को हमने सेलेक्ट किया,
ठीक है, उसको यहाँ पर टिक मार्क कर दिया। अब ये टाइगर हमारा आ गया, अब इस टाइगर को हम यहाँ पे लगा देंगे, जहाँ पे भी आपका मर्जी करे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया, टाइगर हमारा लग गया। उसके बाद यहाँ पे उस स्टोरी की लाइन लिखनी है, जिस टाइप की स्टोरी है, जिस कहानी का जो शीर्षक है, वो शीर्षक हम लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिटा देंगे और हिंदी में लिख देंगे, ठीक है, एक शेर की कहानी, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे आ गया, ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर आएंगे, टेक्स्ट साइज पे आएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना बड़ा टेक्स्ट टिक मार्क कर दिया। और इधर आएंगे, यहाँ ए बी पे क्लिक करेंगे, इसका फॉन्ट थोड़ा सा मोटा कर देते हैं बड़ा। अब एक शेर की कहानी, इसको हम जहाँ पर मर्जी करें वहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर जैसे मैंने लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ कलर पे क्लिक करके इस टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हो, जो आपको सही लगे वो कलर आप लगा लेना, जो भी अच्छा लगे, जो भी आपके थंबनेल पे सही तरीके से दिखे वो आप लगा लेना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे वाइट ही रहने दिया, मैंने टिक मार्क कर दिया। और इधर आएंगे, एक ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक का, स्ट्रोक पर क्लिक करके इसको बस इनेबल कर दीजिएगा, और इसके बगल में शेडो है इसको भी इनेबल कर दीजिएगा, वो अच्छा दिखने लगेगा आपका टेक्स्ट। उसके बाद टिक मार्क। अब देखिए, एक तरीके से हमारा थंबनेल कंप्लीट है बन करके, हमारा थंबनेल कंप्लीट है बनके, एक शेर की कहानी। और यही थंबनेल लगा करके हम वीडियो को अपलोड कर देंगे, और जितना बेहतर थंबनेल बनाओगे उतनी जल्दी लोग क्लिक करेंगे। तो इसलिए थंबनेल पे थोड़ा सा आप काम करना, मैंने स्टेप बता दिया, यही स्टेप है सिंपल से। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी, हमारा थंबनेल बन करके कंप्लीट हो गया, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई।